हेलो गाइस, आई होप होंगे वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमन वीक में आपका वेलकम है। आज हम बनाने लगे हैं दही। आज हम बनाने लगे हैं पुदीना बूंदी वाला दही और बीच में हम डालेंगे थोड़ा सा रायता वाला जो कद्दू किया हुआ है हमने, कद्दूकस करके उबाइल करके ये हम डालेंगे बीच में। आज हम इसके लिए कौन कौन से मसाले लिए हैं आप दिखाते हैं। दही हमारे हमने थोड़ा सा अभी करना है पतला, इसे हम इसमें थोड़ा सा इसमें डाल देंगे पानी और इसमें इसे थोड़ा पतला हो जाएगा। इसमें हमने मसाले जो लेने हैं वो लेने हैं, पहले हमने नमक लेना है, ये सिंपल जो यूज़ करते हैं वोला नमक है। और इसके लिए हम लेंगे काला नमक भी, काला नमक भी हम यूज़ करेंगे इसमें। ये हमने लिया है सौंफ पाउडर और काली मिर्च, ये हमने लिया है जीरा पाउडर और ये धनिया, इनको हमने गर्म करके फिर से क्रश किया हुआ है। अब ये सारे इन मसालों को हमने दही में डालना है। अब दिखाती हूँ आपको कैसे बनेगा हमारा रायता, बूंदी रायता। पहले हम ले रहे हैं नमक, सिंपल नमक ले रहे हैं, और ये हमने काली मिर्च पाउडर, ये हमने सौंफ वाला जो पाउडर बनाया था सौंफ पाउडर ले रहे हैं हम इसमें, ये हम ले रहे हैं जीरा पाउडर। अब सारे इन मसालों को हमने कर लेना है अच्छे से मिक्स। इसमें हमने काला नमक भी डालेंगे, अभी ये लिया हमने अब काला नमक, इससे दही का टेस्ट फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए हमने इसमें ये भी नमक मिक्स किया है। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही लेना, हमने थोड़ा वो वाइट वाला नमक डाला जो हम घर पे यूज़ करती है, ये हमने काला नमक ज़्यादा डाला है थोड़ा। इन सारे मसालों को हमने अब कर लेना अच्छे से मिक्स। इसमें हम वैसे अब पानी भी डाल सकते हो, लेकिन हम इसमें डाल रहे हैं अभी दही में दूध, क्योंकि हमारा दही था इसलिए हम इसे थोड़ा पतला कर रहे हैं। इसे कर लेना अच्छे से मिक्स हमने। गर्मी है, गर्मी में दही घर पे बनाओ और चावल के साथ, परौंठी के साथ, आलू वाली परौंठी के साथ खाने का उसका अलग ही मजा है। अब हमने इसमें डाला था जो अब हमने इसमें डाल लिया है कद्दू। अब इसमें हमने डालना है पुदीने वाला मोगरा, हमारा पुदीना पुदीने वाला बूंदी है, ये आपको बाजार से मिल जाती है। वैसे इसके वैसे हमने पैकेट वाला ही मंगवा के ये वाला डाला है, आप कोई भी डाल सकते हो इसमें, इससे ही हमारा दही बहुत अच्छा बनेगा। देखो इसमें हमने थोड़ा सा डाला है ऊपर से लाल मिर्च पाउडर, ये आप स्किप कर सकते हो, ये जरूरी नहीं आप ये डालो आपने। अभी हमने इसमें हरी मिर्ची नहीं कट करके डाली हुई, सॉरी हम भूल गए इसमें वो भी डाल। ये हमने थोड़ी ऊपर डाली है हरी मिर्ची अब, क्योंकि हमने पहले स्किप कर दी थी, अब फिर हमने डाल ली है क्योंकि टेस्ट के अकॉर्डिंग हम ज़्यादा तीखा भी खाते हैं ना, इसलिए हमने हरी मिर्ची भी अब ऊपर डाली है। आप अपने स्किप कर सकते हो, हम ज़्यादा तीखा खाते हैं इसलिए हमने डाली है। साथ में हमने लाल मिर्ची पाउडर भी डाला है अभी। तो ऐसे ही आपने घर पे दही बनाना है गर्मियों में। और बताइए मेरा रायता कैसे बना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।